हेलो गाइस, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्वींस गैम्बिट, क्वींस गैम्बिट पार्ट टू, क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड। हाँ, आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्वींस गैम्बिट का पार्ट टू। पहले हमने पार्ट वन में क्या देखा था, इंट्रोडक्शन टू क्वींस गैम्बिट, और उसमें फ्यू वेरिएशंस देखे थे। अब आज वही एक एक वेरिएशन को हम लोग डिटेल में करेंगे। लेट्स स्टार्ट। अब पहले देखते हैं क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड, और ये सबसे जरूरी है आना, ये खेला कम जाता है पर अगर ये खेल दिया तो क्या करें। लेट्स सी व्हाट वाज क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड। सबसे पहले d4 d5 एंड c4, दिस इज क्वींस गैम्बिट, बराबर। हाँ, अभी नेक्स्ट हमने व्हाइट ने ब्लैक को गैम्बिट दिया और ब्लैक ने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसने इधर मारा, दिस इज क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड। अरे बाप रे, ब्लैक ने हमारा पॉन मार दिया, अब हम पॉन को वापस कैसे ले। सर ये तो बहुत प्रॉब्लम हो गई। अगर किसी के दिमाग में ऐसा आ रहा है कि सर हम लोग क्वीन e4 से चेक देते हैं और डबल अटैक, ओके, तो हम लोग क्वीन a4 खेलेंगे, फिर वो समझो बिशप बीच में डाले या पॉन चलाए, हम लोग नेक्स्ट चांस में हम लोग ये खेल लेंगे। तो मैं बोलूंगा कि ठीक है, वो एक तरीका है पॉन मारने का, बट दैट इज नॉट दैट मच गुड। आई विल शो यू अ मच बेटर वे हाउ यू कैन गेट दिस पॉन बैक। ओके, लेट्स स्टार्ट। उसने मारा, द सेकेंड मूव फॉर व्हाइट इज, व्हाइट हैज टू ऑप्शंस व्हिच आर रियली गुड। ओके, वन इज यू कैन डायरेक्टली प्ले e4 खेलो और तुम यहां से बिशप पे से इस पे अटैक करो, वो नाइट निकालेगा तो पॉन और पुश करके अटैक करो एंड बाद में इस पॉन को मार लेना। सो प्लेइंग विद e4 इज रियली रियली सिंपल। मैं बोलूंगा e4 से खेलना कोई बड़ा टास्क नहीं है, तुम्हें चाहिए तो e4 भी खेल सकते हो, बट देर इज वन मोर मूव विच इज रियली गुड एंड वॉट आई पर्सनली प्रीफर टू प्ले, दैट इज e3। ओके, ये देखो हमने खेला d4 d5 c4, और जैसे ही वो मारता है हमारे पॉन को, पता है क्या खेलना चाहिए, e3 खेलो और बिशप ओपन करके सीधा अटैक कर दो पॉन पे, समझा। तो हमारा जो पॉन मरा था ना, वो अब हम लोग फटाक से वापस मार लेंगे। ओके, नाउ व्हाट इज द बेस्ट मूव फॉर ब्लैक, और ब्लैक को क्या खेलना चाहिए। तो सी ओवर हियर, ब्लैक को जो खेलना चाहिए वो है आइदर e6 और नाइट f6, इन दोनों में से कोई भी एक चीज खेलनी चाहिए ताकि कोई पॉन आगे ना आ सके। नाइट f6 दोनों ही पॉन को रोक देगा, ठीक है, e6 इस पॉन को रोकेगा, एज यू विश। फॉर एग्जांपल लेट्स गो विद द नाइट f6। नेक्स्ट मूव हम लोग हमारा पॉन वापस मार लेंगे। देखो हमारा पॉन मरा था, टेम्पररी मारने दिया, पर उसके एक दो मूव के बाद हमने वापस रिकवरी कर ली, पॉन फ्री में नहीं गया है, अंडरस्टूड। ओके, हाँ, तो वो कभी नहीं जाएगा फ्री में, तुम लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम लोग बिंदास खेलो c4, अपोनेंट खुद सरप्राइज हो जाएगा लोअर लेवल पे, तो वो सोचेगा कि अब मैं क्या खेलो, कंफ्यूज हो जाएगा, कितने अपोनेंट मार देंगे और सोचेंगे अरे भाई एक पॉन एक्स्ट्रा मिल गया, पर ऐसा नहीं है, तुम्हें वापस रिकवरी हो ही जाएगी, डरना मत। अब नेक्स्ट मूव ब्लैक को क्या खेलना चाहिए, यहाँ पे देखो सबसे बेस्ट मूव फॉर ब्लैक इज टू प्ले e6 ओपन अप द बिशप। नेक्स्ट मूव फॉर व्हाइट सिंपल डेवलपमेंट, देखो बहुत ईजी है, एक बार पॉन रिकवरी हो गई ना, बाकी सब तो बहुत सिंपल है, नॉर्मल नाइट f3, वो बिशप e7 खेलेगा। सर वो बिशप से चेक क्यों नहीं देगा, वो भी अच्छा है ना। हाँ है अच्छा, पर क्या होगा पता है, अगर उसने बिशप से चेक दिया ना, व्हाट हैपेंस इज वो चेक देगा, हम हमारा बिशप बीच में डालेंगे, देखो अगर वो मारेगा तो हमारा नाइट डेवलप हो जाएगा, करेक्ट और नॉट, हमारा ही नाइट डेवलप हो रहा है, तो बेसिकली व्हाइट का फायदा और ब्लैक का नुकसान, सो दैट्स व्हाई ही हैज टू अगेन रन बैक ओनली। तो बेसिकली हमारा फालतू में एक बिशप उसने डेवलप करवा दिया ना, तो उससे अच्छा है कि वो बिशप बी4 चेक ही ना दे और वो सीधा सीधा डायरेक्टली बिशप e7 ही खेले। तो बिशप e7 खेलेगा, नेक्स्ट मूव व्हाइट शॉर्ट कैसल्स, ब्लैक शॉर्ट कैसल्स, एंड यू कैन कंटिन्यू द गेम। खेल सकते हो कि नहीं, तुम्हें लगता है कि गेम में कोई प्रॉब्लम है, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्हाइट कैन इजिली गेट द नाइट आउट, यू कैन इजिली गेट द रुक आउट, पुश द पॉन, पुश इट मोर, गेट अ सेंटर कंट्रोल, गेट ओपन अप योर बिशप वेरी इजिली, बहुत ही मस्त स्मूथ गेम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम अप्लाइज फॉर ब्लैक, ब्लैक कैन सिंपली प्ले दिस, गेट द बिशप आउट ऑन द लॉन्ग डायगोनल, यहाँ से अटैक कर सकता है, ही कैन गेट द नाइट आउट सपोर्टिंग ओवर हियर और हियर, और एल्स ही कैन सिंपली गेट अ नाइट ओवर हियर, एंड व्हाट ब्लैक कैन डू इज ही कैन प्ले b6, प्ले दिस, ही कैन ऑल्सो गो फॉर c5 पॉन पुश अटैकिंग द व्हाइट सेंटर। तो दोनों ही प्लेयर को बहुत अच्छे से खेलने मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पर एक ट्रैप है, सुनो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या किसी ने ये सोचा था, हम लोग वापस स्टार्ट पे जाके एक चीज देखते हैं, व्हाइट खेलेगा d4 d5 c4, सर क्वींस गैम्बिट ये तो दिमाग में छप गया, नेक्स्ट आपका तो यही फिक्स लाइन है सर, हमारे दिमाग में अच्छे से छप गया ये, और वह छपना भी चाहिए, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। ओके, अब क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड क्या है, मार लिया, व्हाइट ने गैम्बिट दिया, ब्लैक ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेड।
Now, what is the white move? What we are going to play? E3. Even knight c3 is playable. Knight c3 भी खेल सकते हो ताकि वो b5 ना खेले, ठीक है? But the question is, हमने खेला e3. e3 is much knight c3 and e3 both are good, whichever you like you can play. Okay, just simply I would recommend it to go for e3. अब यहाँ पे एक ट्रैप है और ट्रैप ये है कि अपोनेंट ने हमारा ये जो पॉन मरा था ना वो हमने यहाँ पर बिशप ओपन करके मारने का सोचा, पर अगर अगर सर उसने बचा लिया तो कैसे बचाएगा? अरे सर ये देखो एक मूव है यहाँ पे b5. क्या तुम लोगों ने सोचा कि ब्लैक अगर b5 खेल देगा तो क्या? क्योंकि सर अब तो हमको पॉन मारने मिलेगा ही नहीं. अरे हाँ तो सर e3 खेलने के पहले नाइट c3 खेल ले तो ज्यादा अच्छा है रे, शायद इस पॉन को वो फिर आने नहीं ना दे आगे. नहीं ऐसा नहीं है, तुम लोग नाइट c3 भी खेल सकते हो, पर एक अच्छा मूव बोलू, टेंशन मत लो. अगर उसने b5 खेला ना, वापस से बता रहा हूँ, देखो d4 d5 c4 d cross c4 e3 और अगर उसने खेला b5 देन b5 इज ट्रैप. ये रॉन्ग मूव है, ब्लैक को ऐसे कभी नहीं खेलना चाहिए. अगर तुम लोग ब्लैक हो तो पॉन मार के बाद में नाइट f6 या e6 खेलो, b5 खेल के बचाने मत जाना, ये पॉन बचाया नहीं जा सकता. अब ब्लैक ने गलती की, ब्लैक ने सोचा अरे मैं बहुत होशियार हूं मैं पॉन बचा ही लूंगा. तो देखो कैन यू गाइस वांना ट्राई सम मूव, वांना से सम मूव, व्हाट इज प्ले, व्हाट यू कैन व्हाइट कैन प्ले ओवर हियर. The white can play a very good move and that is to play a4. Queen f3, nahi, queen f3 will not be that much good because he can put the pawn in between with the support of the knight. So right now queen f3 is not that much good. The best move over here is after b5, jaise hi wo b5 khele na, seedha uske muh pe maro. Wo isse bacha raha hai na, piche ye pawn se defense de raha hai, to uska defense hi tod do, samjha? So play a4. अभी ध्यान से देखना. हाँ सर समझा. अब नेक्स्ट चांस समझो, अगर उसने कुछ नाइट या चलाया तो हम इसको मारेंगे और फिर इसको मारेंगे, बराबर परफेक्ट. अब सर अगर हमको सिर्फ 3 और डाउट है, अगर उसने इससे सपोर्ट दे दिया तो, अगर इससे सपोर्ट दे दिया तो और उसने ही हमको मार दिया तो क्या? देख लेते हैं, तीनों वेरिएशन देख लेंगे, डोंट टेक एनी टेंशन. अगर उसने मारा तो सुनो, अगर मारा ना तो इसको मारने मत भागो, इसको तो हम बाद में भी मार सकते हैं. इट मीन्स इट्स योर विश, यू कैन फर्स्ट किल ओवर हियर एंड देन इन फ्यूचर यू कैन ट्राई टू किल दिस वन आल्सो. हाउ मैं बताता हूँ, देर आर फ्यू ऑप्शंस. यू कैन इवन किल दिस, गिव हिम अ चेक एंड देन देर आफ्टर किल दिस वन. बट एक अच्छा मूव व्हाट पर्सनली द वे आई लाइक टू प्ले इज सीधा चुपचाप. हमने क्या a4 क्यों खेला? ताकि ये पॉन हटे तो इसका डिफेंडर हट जाए. तो पहले चुपचाप c4 का पॉन मार दो, बिशप क्रॉस c4. अब वो जैसे ही मारे ना, एक बात बोलू, देखो ये पॉन्स ना सब छुट्टे छुट्टे हो गए, मतलब आइसोलेटेड पॉन हो गए हैं. ऐसे पॉन जिसके बाजू की लाइन में कोई दूसरा पॉन नहीं होता, वो पॉन्स होते हैं आइसोलेटेड पॉन, मतलब उनको कोई सपोर्ट नहीं है. देखो बाजू से कोई भी इन्हें बचा नहीं सकता, बचा सकता है कोई? नहीं. तो ब्लैक की पोजीशन बहुत वीक और खराब हो चुकी है. ये जो दो पॉन आगे आए हैं ना मारने, ये दोनों मरने वाले हैं, कोई नहीं बचने वाला. कैसे? समझाता हूँ, बेस्ट है सीधा इसको मार लो. अब नेक्स्ट चांस में हम क्वीन से मार लेंगे. अब ब्लैक सोचेगा सर बचाने की ट्राई की तो कैसे बचाएगा? अगर उसे खेल दिया तो बिशप यहाँ से यहाँ, सर अब हम लोग ना रुक से मार सकते हैं ना क्वीन से मार सकते हैं. अरे क्यों टेंशन लेते हो, प्ले नाइट c3. हम एक और अटैकर लेके आएंगे. अब कहां से लाएगा वो डिफेंडर? कहीं से नहीं आ सकता है, समझा? सो नाउ इन नेक्स्ट मूव ही मे प्ले एनीथिंग लाइक e6 और समथिंग एंड वी विल इजीली किल इट. इफ ही वांट्स टू किल इट वी डोंट माइंड, वी कैन किल विद एनी ऑफ आवर पीसेस, ठीक है? तो ये भी पॉन मिलना ही मिलना है, टेंशन मत लो. ए पॉन मर गया, सी पॉन मर गया, जो मरेगा वापस मिलेगा. हम गैम्बिट खेल रहे हैं, गैम्बिट में वही ओपनिंग की प्लानिंग होती है और वही मैं सिखा रहा हूं, अंडरस्टूड? ओके लेट्स गो बैक. जैसे ही वो b5 खेला, हम लोग खेलेंगे a4. अगर मारा तो या तो फिर तुम लोग डायरेक्टली इधर मारो, फिर नाइट c3 खेल के ये पॉन मार लेना, तो दोनों ही पॉन मिल जाएगा हमें. अब सर अपोनेंट को तो अब मतलब ये मारा तो टेंशन नहीं है सर, हमको खेलना आता है. अब अपोनेंट ने a6 खेल के बचा दिया तो क्या करेंगे? क्योंकि अब हमने मारा तो वो मारेगा और फिर से सपोर्ट आ गया, अब तो इधर मार ही नहीं सकते. अरे टेंशन मत लो, ऐसा नहीं होगा. अगर उसने a6 खेलने की गलती की तो मारो बिंदास इधर. क्यों? जैसे ही तुम मारोगे तो रुक का लाइन ओपन हो गया और ये वाला पॉन पिन हो चुका है, तो ये पॉन हिल ही नहीं सकता. अगर इसने मारने की गलती की तो गया सीधा रुक क्रॉस 8, समझा?
तुमको सीधा पूरा रुक का प्रॉफिट हो जाएगा पीछे, अंडरस्टूड? तो टेंशन मतलब वो ए सिक्स खेल के अपने इस पॉन को नहीं बचा सकता जिससे कि वो इस पॉन को बचाए, तो ये पॉन नहीं बचेगा। ए सिक्स इज अ रॉन्ग मूव, हम लोग मारेंगे बिंदास। वापस बताता हूँ एक बार, ये देखो अगर उसने ए सिक्स खेलने की गलती की तो हम लोग सीधा मारेंगे, वो मारेगा एंड वी गेट द रूक, ही कैन नॉट किल दैट, ओके। और अगर नहीं मारा तो अगर नेक्स्ट चांस में सर समझो उसने कुछ ऐसा कि बिशप निकाल के इधर अटैकर बढ़ाया तो देन इट्स योर विश, यू कैन सिंपली किल इट, और एल्स वन थिंग व्हाट आई वुड रेकमेंड इज जस्ट सिंपली किल ओवर हियर, प्रॉब्लम खत्म। वो बिशप से मारेगा तो उसका बिशप भी मरेगा, उसका बिशप भी मारने मिलेगा। अगर उसने बिशप यहाँ पे खेला तो यहाँ पे मार के बचा लेंगे, करेक्ट और नॉट? हाँ सर, बराबर है, बात तो समझाओ हमको। वो मारेगा तो फिर से उधर मार देंगे, ओके, और वो मार ही नहीं सकता क्योंकि मारा तो फिर से रुक गया, तो कोई टेंशन नहीं है। पॉन चलाया तो चलाओ, मारो उसके पॉन को, मारो पहले पॉन को मारेंगे फिर ये वाला वापस मारेंगे, ओके। तो टेंशन मत लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर बी फाइव आया तो क्या खेलने का? बी फाइव आया तो ए फाइव, ओके। अब उसने मारा तो हम लोग पॉन मार के नाइट सी थ्री खेल के ये मार लेंगे, अगर ए सिक्स खेला तो सीधा मार के हम लोग रुक को मार लेंगे, बराबर? हाँ, और अब रुक को हम लोग सीधा मारेंगे अगर उसने तो फ्री पॉन मिलेगा, और फिर बाद में इसको मारेंगे। अगर उसने मारने की गलती की, वी कैन सिंपली गेट द रुक। अब सर हमको ये डाउट है, उसने सी सिक्स खेला तो ये पॉन है ना जो हिल नहीं सकता, अगर उसने सी वाला पॉन चलाकर बचा दिया तो देखो इसका तो और भी डेंजरस टेक्निक है। जैसे ही ये खेला, जस्ट प्ले ए क्रॉस बी फोर, फिर से मारो। है क्यों सर, पॉन आके बचा लेगा, कोई फायदा नहीं। अरे देखो तो सही क्या मजाक होने वाला है, पहला एक ये खेला ना तो अब क्वीन तो आके हमें चेक दे ही नहीं सकता है बिल्कुल भी। सेकेंड थिंग, जैसे ही हमने मारा, अब देखो अगर उसने कुछ भी नहीं किया, उसने सिंपल अगर उसने बिशप या कुछ चलाया तो हम एक और पॉन मार लेंगे, और फिर बाद में मतलब अगर बिशप चलाया तो हम लोग ये मार लेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग नाइट एंड सब चलाकर ये पॉन भी मार लेंगे। डायरेक्टली पॉन मत मारना वरना वो घुस जाएगा अंदर और रुक मार देगा। हाँ, तो प्रॉब्लम नहीं है अगर उसने कुछ और चलाया। द ओनली प्रॉब्लम इज अगर उसने मारा तो क्या, अगर मारा ना तो भी टेंशन नहीं है, हम लोग खेलेंगे क्वीन एफ थ्री क्योंकि उसका रुक फंसा हुआ है, समझा? तो हमें सीधा रुक मारने का चांस मिल जाएगा। अब इधर अगर समझो नाइट एफ सिक्स या कुछ खेलता है, वी गेट द रुक। अब रुक को बचाने का एक ही तरीका है और वो है ही हैज टू सैक्रिफाइस द नाइट। तो देखो अगर वो सी सिक्स खेल के पॉन बचाने गया ना तो हमको मतलब देखो 5 पॉइंट का रुक मरने से अच्छा है 3 पॉइंट का नाइट मरने देने का। इसके लिए उसने नाइट सी सिक्स खेला, हम मारेंगे, ही विल प्ले बिशप डी सेवन, चेक से बचा, हमारे पे अटैक किया, यहाँ प्रोटेक्शन आया, वी विल प्ले क्वीन ए। तो यहाँ पे एक पॉन बचाने के लिए दूसरा पॉन लाया, इसको बचाने के लिए चक्कर में उसने सी सिक्स खेला, पर सी सिक्स में हुआ ऐसा कि हमने मारा मारी की लाइन ओपन कर दी और क्वीन एफ थ्री खेल के रुक पे अटैक आया, और वो रुक को बचाने के लिए उसे अपना नाइट मारने देना पड़ा, समझा? एटलीस्ट बेटर है ना 5 पॉइंट का रुक मारे उससे तो अच्छा है 3 पॉइंट का नाइट मारे, अंडरस्टूड? ओवर हियर तुम्हारा क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड का वेरिएशन में जो जो सीखना था वो हो गया है। एक बार क्विकली गो थ्रू करते हैं, एकदम अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है? चालू करे या होप सो सबको समझा ही होगा, मैं डाउट्स पूछने दूंगा गो थ्रू करने के बाद, लेट्स स्टार्ट, फिर तुम लोग डाउट्स पूछ सकते हो। फर्स्ट मूव क्या था? D4, D5, C4, क्या है ये? Queen's Gambit। अब व्हाइट ने गैम्बिट दिया, ब्लैक ने एक्सेप्ट किया, इसके लिए इसका नाम है एक्सेप्ट किया मतलब मार लिया, तो मार लिया तो क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड। नेक्स्ट ओवर हियर देर आर व्हाइट के लिए बेस्ट मूव है E3 खेलना, और ब्लैक को B5 के ट्रैप में नहीं गिरना चाहिए पॉन बचाने के चक्कर में, वो रॉन्ग है। द बेस्ट मूव फॉर ब्लैक इज टू आइदर प्ले E6 और नाइट F3, तो ब्लैक ने खेला नाइट F3, लेट्स गो अहेड, हमने चुपचाप से पॉन मार लिया, बिशप क्रॉस C4, ब्लैक ने खेला E3, हमने भी खेला, नॉर्मल डेवलपमेंट है, देखो नॉर्मल, बिशप निकाल रहा है, नाइट निकाल रहा है, बिशप का रास्ता खोल रहा है, नाइट F3, उसने बिशप डेवलप किया, दोनों ने अपना शॉर्ट कैसल का वे ओपन करके शॉर्ट कैसल कर दिया। सो सिंपल एंड इजी टू प्ले, ओके? या नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, हाँ अब देख लेते हैं ट्रैप। अगर उसने यहाँ पे नाइट F6 या E6 नहीं खेला और ये पॉन बचाने की गलती की और ट्रैप में गिरा B5, तो हम क्या खेलेंगे? B5 जो डिफेंडर है उस पे अटैक करो, पीछे डिफेंडर को तोड़ो पहले, सो वी विल प्ले A4, सीधा उस पे अटैक। नाउ हियर ही हैज 3 ऑप्शंस, A6, C6 एंड टू किल इट, ओके? हाँ, उसके अलावा बिशप जैसा ऑप्शन है, देयर आर वो ऑप्शंस भी है, बट टेंशन मतलब अगर बिशप आया ना स्टिल मतलब उसका भी तरीका है, ओके? वी विल राइट नाउ जस्ट इग्नोर इट क्योंकि हमें उस चीज के डिटेल में नहीं जाना है, ओके? हाँ, वरना फिर ना उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। लाइक मैं चलो इतना सिंपल बता देता हूँ, अगर बिशप आया ना
तो यू कैन जस्ट सिंपली किल इट, बिशप वापस मारेगा एंड देन यू कैन प्ले नाइट सी थ्री एंड समथिंग ओके। उसके बाद देखो बिशप कहाँ हटता है, पीछे हटा मतलब यहाँ नहीं गया, कहीं भी और जाए, यहाँ यहाँ ये सॉरी मीन यहाँ यहाँ वी गेट द पॉन, अगर बिशप पीछे गया तो कहीं भी सॉरी यहाँ यहाँ ओके। अगर बिशप इधर गया तो क्या खेलेंगे, अरे तो भी मजा आएगा। देखो पता है क्या खेलेंगे, द नेक्स्ट मूव यू कैन अगेन गो फॉर क्वीन एफ थ्री एंड अटैकिंग द रुक, वो एक तरीका है ओके। हाँ मतलब वो उसका टेंशन मत लो, तुम लोग खेल लोगे और अपोनेंट इतना सोचेगा भी नहीं तुम्हारे लेवल पर, इनिशियल लेवल पे तो। हाँ अब बचा वेरिएशन कौन सा, तो हम लोग ये वाला वेरिएशन जो है यहाँ पर A4, A4 के बाद यहाँ पे बिशप वाला वेरिएशन एक पहले हटा देते हैं, बिशप D7 डिलीट मूव। हाँ ओके लेट्स गो अहेड। जैसे ही A4 खेला थ्री वेरिएशंस, किल किया तो क्या A6 E6 पे, क्या किल किया तो सीधा इस पॉन को मार लो, इसका डिफेंडर हटा तो इसको मार लो। बाद में हम लोग आराम से अगर वो बिशप D7 से बचाता है तो ठीक है, नहीं बचाया तो डायरेक्ट क्वीन से मार देंगे। अगर बचा लिया तो हम लोग नाइट C3 खेल के बाद में नाइट से मार देंगे और वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है याद है ना ये चीज। हाँ बिशप D7 एंड नाइट C3 एंड देन ही कैन नॉट डू एनीथिंग, वी आर श्योरली गोइंग टू गेट द पॉन ओके। और अब नेक्स्ट दूसरा क्या था सर, नहीं मारा, अगर उसे नहीं मारा तो नहीं मारा A6 खेला तो गलती है, हम लोग सीधा मार देंगे क्यों, क्योंकि ये पिनिंग का फायदा उठाने, अगर उसने फिर से मारने की गलती की तो रुक जाएगा ओके। और नहीं मारा तो यहाँ पे पॉन पड़ा है, वो आराम से आगे बाद में इसको भी मार लेंगे, हमको कोई टेंशन नहीं है, इसका डिफेंडर उड़ गया है। और अगर सर उसने C6 खेला तो वो भी फिर से मारेंगे, वो मारेगा मतलब कोई भी पॉन अगर पीछे से बचाने आया तो हमेशा मारना ही है, C6 खेला तो मारो, वो मारेगा, देन प्ले क्वीन F3 रुक पे अटैक है, अब रुक मरने वाला है, द ओनली वे टू सेव द रुक इज टू सैक्रिफाइस अ नाइट, नाइट मारने दो, बिशप D7 सॉरी नाइट नाइट एफ नाइट C6 क्वीन क्रॉस C6 बिशप D7 एंड क्वीन A6 डन, क्लियर हो गया। 2 मिनट में पूरा रिवीजन हो गया ओपनिंग का, जो इतना बड़ा और लंबा लग रहा था 2 मिनट में पूरा रिवाइज कर दिया कि नहीं, स्टार्टिंग में सीखते वक्त बड़ा लगता है, जैसे ही याद रह जाता है ना आराम से हो जाता है, ठीक है क्लियर। अभी बोलो किसी को कोई डाउट है, क्रिशा मान्या यू कैन स्पीक बाय योर माइक, माइक से डाउट पूछ सकते हो, नो सर, मान्या नहीं है, क्रिशा को भी नहीं आई थिंक, तो शिवम को भी नहीं आई ओके ठीक है वेरी गुड गाइस। तो इसी के साथ हम लोग ये वाला पार्ट क्वींस गैम्बिट का पार्ट टू एक्सेप्टेड वाला जो वेरिएशन था वो यहाँ पर हम लोग स्टॉप करते हैं, ठीक है। हाँ एक्सेप्टेड वाला क्वींस गैम्बिट, एक्सेप्टेड क्वींस गैम्बिट पार्ट टू हमारा स्टॉप होता है गाइस, रिजॉइन करो क्वींस गैम्बिट पार्ट थ्री, वो होगा क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन पे कि सर उसने नहीं मारा तो क्या, और उसने अगर ये पॉन चलाया तो, पार्ट फोर भी है उसमें हम लोग देखेंगे अगर C6 से बचाया तो क्या, पहले हम लोग E6 देख लिया है डिक्लाइन वेरिएशन ओके। कम ऑन गाइस ये वीडियो पार्ट टू यही पे एंड होता है एंड लेट्स गो टू द पार्ट थ्री ओके, चलो आ जाओ डिक्लाइन।